बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है, जिंदगी बहुत कीमती है इसे संभाल के रख, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है। लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा बना वरदान, जिले के 6,41,000 पंजीकृत श्रमिकों को हुआ 92 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान। कोरोना वायरस के संकट काल में मनरेगा मजदूरों एवं किसानों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया बनकर उभरा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों के बाद भी ग्रामीणों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने में सफलता हासिल किया है। इनमें न केवल जिले के पंजीकृत मजदूर, उनके अलावा अन्य राज्यों के आए प्रवासी मजदूरों की भी पंजीयन कर उनको बेरोजगारी की चिंता दूर की है। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 6 विकास खंडों में 2,41,430 परिवार मनरेगा में पंजीकृत हैं, जिसमें कुल श्रमिकों की संख्या 6,41,080 है और इनमें सक्रिय जॉब कार्ड की संख्या 4,97,312 है। इनमें से 1,71,559 परिवार के 3,80,621 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें मनरेगा के तहत कुल 92,06,23,000 रुपए का भुगतान हुआ है। इतनी बड़ी राशि का विपदा के समय में मजदूरों एवं किसानों के लिए आय का एक प्रमुख जरिया बना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊर्जा मिली है। जब देश भर में लॉकडाउन का पहला चरण की शुरुआत हुई और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई, तो राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर इन सभी लौटे प्रवासी मजदूरों से काम करने के प्रति इच्छुक मजदूरों का नया जॉब कार्ड बनाया गया है। मनरेगा सहायक अधिकारी के साहू ने बताया कि मार्च अंतिम से लेकर मई माह तक प्रतिदिन जिले में औसतन 1,40,000 से लेकर 1,50,000 श्रमिक प्रतिदिन कार्य करते रहे थे, जो बलौदाबाजार जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस राज्य में मजदूरों की संख्या पहले कभी भी 70,000 से अधिक नहीं पार हुआ था। मनरेगा के तहत मुख्यतः तालाब गहरीकरण, रोड नरवा आदि के कार्य संचालित थे। इन कामों में राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर सोशल डिस्टेंसिंग, प्रत्येक मजदूरों के लिए मास्क, हाथ धोने का साबुन एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था कर नियमों का पालन भी किया गया है। बड़ौदा बाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।